सो हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। मैं आपका दोस्त ऋषि सिंह और मैं ऋषि की मम्मी नीता मिनास, हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ऋषि'स वर्ल्ड में। आई होप गाइस आप सब होंगे बहुत ही बेहतरीन और रख रहे हैं अपनी फैमिली का ख्याल। तो गाइस आज हम दोबारा से आ गए आपके लिए बहुत ही जबरदस्त गाने के ऊपर रिएक्शन लेके। जैसे कि हमने बताया थे करण ओजला के जितने भी गाने हैं सबके ऊपर रिएक्शन हम कर रहे हैं, क्योंकि भाई साहब हमारा मन भी नहीं मान रहा और हमारे को सारे लिंक आप लोगों ने भेज दिए और बहुत लोगों ने मम्मी ने रिक्वेस्ट करी कि भैया इनके सारे गानों पर रिएक्शन करो। तो भाई करण ओजला के गाने और हमारे रिएक्शन ना करें ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो गाने का नाम है देनो देनो, मतलब कि उसे सब पता है। यस, तो करण ओजला जब भी कोई गाना निकालता ना देनो, मतलब उसे सब पता होगा भाई। तो करण ओजला जब भी कोई गाना निकालता है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था उस टाइम पे क्या होता है, करण ओजला के ना दो मीनिंग होते हैं। करण ओजला या तो किसी को टारगेट करता है या करण ओजला इनडायरेक्टली अपने बारे में बताता है कि भाई सब पता है मुझे, बट मैं उसे बोलता नहीं। तो करण ओजला की यही क्वालिटीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। और तो करण ओजला के जितने भी गाने हैं हम सभी के ऊपर रिएक्शन करना चाह रहे हैं, तो ऐसे ही आप अपना प्यार बना के रखें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहें। तो करण ओजला के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं पहले गाना देखूंगा, उसके बाद मैं करण ओजला के गाने के बारे में बताऊंगा कि उन्होंने क्या बोला इस गाने के अंदर और उनकी ये एल्बम लाजवाब। आप क्या कहना चाहोगे? मैं भी यही कहना चाहूंगी कि अगर करण ओजला के गाने आ रहे हैं तो हम क्यों नहीं रिएक्शन करेंगे। सच्चाई है। और फिर दूसरी बात यह कि हमारी फैमिली हमें रिक्वेस्ट करती है या हमारे को कहती है, तो उनकी रिक्वेस्ट को हम रिक्वेस्ट मानते हैं कि अगर उन्होंने हमें कहा है तो हमें उसका आदेश करना हमारा फर्ज बनता है। तो हम उनके गाने पे हम जरूर रिएक्शन करेंगे, एक बार हम देखेंगे करण ओजला ने क्या कहा है, तो देनो को देखते हैं फिर हम बाद में रिएक्शन करते हैं। तो यार मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस गाने के ऊपर रिएक्शन देने के लिए। उससे पहले बताया तो अगर आप यहाँ तक आगे और आपने नहीं करा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फिर लाइक कर देना, साथ के नोटिफिकेशन बेल दबा देना, उससे क्या होगा हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। और अगर आप चाहते हो मैं ऐसे आपके बताए गाने पर रिएक्शन देते रहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो भाई, क्योंकि होगा वहीं से देख के हम आपके गाने पे रिएक्शन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के मम्मी गाने पे चले। बिल्कुल। तो ज्यादा बात नहीं करते, सीधा गाने पे चलते हैं। लेट्स गो। इतनी चढ़ाई है पता नहीं। खबर नहीं किसे सार दी, मेरा राखा मेरे डब च है नहीं, लूट बॉडी नू काट दी, दूर ही रही दा बंदे जाली तो, राइट सीट बैठा जेड़ा शूटर संभाली तो, क्या बात है, पीनिया ता पीनिया नहीं शौक ना, इत्थे आउंदा कहली तो ते इंडिया मनाली तो, साडी है अखां ते अखां ते अखां ते मुटियारे नहीं लगियां सट्टा ने, जो जट्टा ते ता लखां ते मुटियारे, इक्का जट जिवें पशमीना मुड़दे करनी मीना मीना बड़ी दूर दी शहरे ने जो नेड़े आके गल दूर दी कह जाते ने, पाइया नी आ पाइया नी गले जाने पैर तो दूर रहो जरूर रहो तू को मेरी ना पै गल सुन ला उथे मैं कदों का जिथे ने ओ असी ता इथे है किथे ने असी ता इथे है किथे ने ओ किन्ने ने हरा के करे तूर ते जदों पिंड जामा साले खड़े हुंदे डोते, क्या बात है, थोड़ियां नी मंगियां ने काफियां इना दियां माफियां ते साडा माफिया, क्या बात है, मित्र को बड़ा कुछ कर दे नी शो दे ना असी ता इथे है किथे ने ओ दे ना दे ना क्या बात है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। सो यार गाना आउट है बहुत जबरदस्त। देखो करण ओजला का जो भी गाना आउट होता है ना, बस भाई गाने का मतलब होता है, गाने का मतलब है ये अपने बारे में बता रहे हैं कि दे नो, मतलब वो लोग मेरे बारे में सब जानते हैं,
मतलब मेरे बारे में बुराई भी करते हैं, उनको पता है कि भाई का सिस्टम क्या है, और सिस्टम के बारे में तो आप जानते हैं। सबसे बढ़िया क्या लगा, करण ओजला ये कहना चाहते हैं कि जिस गाड़ी में मैं बैठता हूँ ना, मेरी गाड़ी की जो बाजू वाली सीट है ना, उसके ऊपर जो शूटर बैठा है, तो उसको भी तुम जानते हो, दे नो तुम्हारा भाई क्या चीज है। तो ओवरऑल अपने सिस्टम की बात कर रहा हूँ, करण ओजला के बारे में सभी लोग जानते हैं कि यार ये बंदा बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट है। और करण ओजला बेसिकली क्या है मम्मी, मतलब कभी बोलता नहीं है, चुप रहता है, बट जब ये बंदा बोलता है ना तो ये सबको चुप करा देता है, एंड करा देता है। तो ये कह रहा है कि भैया कि तुम मेरे बारे में जो मर्जी बोल लो, कोई समस्या नहीं है, अपना तो सीन ऐसा, पीते हैं तो पीते हैं, और अगर पीना स्टार्ट कर दिया घूमने चले गए दिल्ली तो मनाली तो मनाली। तो बहुत जबरदस्त लगा इनका ये गाना, बहुत ज्यादा स्टाइलिश और बहुत ज्यादा मतलब आप कह सकते हो इसको रीच करने वाला गाना है। और हकीकत है भैया, जो आप हो वो आप हो, और आप किसी को रिप्लाई करना चाहते हो तो इससे बेस्ट ट्रैक हो ही नहीं सकता। तो इट इज वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार लगा। आपको कैसा लगा? मुझे तो ये अच्छा लगा कि वो जो कुछ है खुली किताब है, सच्चाई, और वो ये सब कहता है कि मैं जो कुछ भी हूँ, अगर लोग मुझे प्यार कर रहे हैं तो वो मुझे देख के प्यार कर रहे हैं, yes. क्योंकि मेरी किताब खुली है और सब जानते हैं कि मैं पीता भी हूँ और मैं हर लोगों के साथ घूमता हूँ, मेरे जो बॉडीगार्ड हैं वो मेरे साथ रहते हैं। तो उनका मतलब ये है कि जो कुछ है ना वो खुली किताब है। माफिया के बारे में भी बोल रहे हैं, तो वो अपनी तरफ से वो बिल्कुल खुली किताब है, उनका कोई लुक छुपाव नहीं है। अगर प्यार करो तो वेलकम, नहीं करो तो भीड़कम, वो वाली बात है उनकी। और फिर भी दुनिया उनसे प्यार करती है क्योंकि वो खुली किताब है, और खुली किताब बहुत कम लोग होते हैं। लोग होते कुछ और है, दिखाते कुछ और है, और वो जो है वो ही दिखा रहा है। ये बात इस बंदे की बहुत बढ़िया है। और मतलब ओवरऑल क्या है कि जो भी कहते हैं ना खुल के कहते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था, करण ओजला अपने बारे में ना कोई भी चीज हिडन नहीं रखते, अपने बारे में जो ये सोचते हैं वो एक्सप्लेन कर देते हैं अपने लोगों के सामने। भाई बोल रहे चौड़े में कि भैया मैं जाता हूँ तो मेरे साथ साथ में बंदे रहते हैं, माफिया में भी बढ़िया अपनी बातचीत है, और हर एक सेटअप से अपन गुजर चुके हैं, बुरे से बुरे हालात, अच्छे से अच्छे हालात, और हर एक बंदा जानता है ये बंदा जमीन से उठ के आसमान को टच करने वाला एक ही बंदा, उसका नाम है करण ओजला। तो मुझे गाना बहुत बेहतरीन लगा, गाना बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको ये गाना और हमारा रिएक्शन 1% भी अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। आपके साथ क्या करना, आप नोटिफिकेशन बेल दबा दें, उससे क्या होगा हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। और अगर आप चाहते हो ऐसे हम आपके बताए गाने पर रिएक्शन देते रहे, तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना, उससे क्या होगा हम आपके बताए गाने पर रिएक्शन जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय।